जी इस वक्त तुम्हारे साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मरकजी रहनमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद है और आज 1 मई है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी रैली का आगाज कर रहे हैं। मैम सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज रैली है आपकी लिबर्टी चौक से जो कि नासिर बाग तक जा रही है, क्या एजेंडा है और ये कैसे जो है रैली को कवर करेंगे आप? देखिए एजेंडा ये है कि आज एक तो मजदूरों का दिन है, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए और इजहार यकजहती मजदूरों के साथ उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए सबसे ज्यादा चीज के आयन की बहाली, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद, और वो जब तक नहीं होगा किसी के भी, किसी ना मेरे आपके मजदूर के किसी के भी राइट्स इंश्योर नहीं हो रहे। और आज इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ये वन ऑफ द बेस्ट रैलीज में से होगी, बिकॉज लिबर्टी से खान साहब खुद लीड करके नासिर बाग तक जा रहे हैं, शाह साहब होंगे इस्लामाबाद से, खटक साहब परवेज खटक साहब होंगे पेशावर से, तो इंशाल्लाह आवाम का रिस्पांस तो हमेशा ही है, आपको पता है कि एक ट्वीट के ऊपर भी वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आवाम इन सारे मसाइल के साथ अपने आप को रिलेट कर रहे हैं और इस चीज़ की उनको अंडरस्टैंडिंग है। अब हमारा वो दौर ख़त्म हो गया है कि जब हमें गाड़ियां दे के ट्रांसपोर्ट दे के पैसे वगैरह दे के लाना पड़ता था, पैसे तो हम खैर हमारी जमात कभी भी नहीं देती थी, खाने वाने भी नहीं हम देते, लेकिन ये है कि ट्रांसपोर्ट देते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की कॉल होती है लोग अपने तौर पर पहुँचते हैं। ये बताइएगा कि जैसे अब आपने रैली निकाल रहे तो एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर आपका कोई प्लान है कि लॉन्ग मार्च करने का? एग्जैक्टली कौम को निकलना, मुज़ाकरात के नाकाम होने का मतलब है आयन खत्म, सुप्रीम कोर्ट खत्म, फिर हम ऑलरेडी आपको पता है हमारे घरों के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां गेट तोड़ के चादर चार दीवारी के तकद्दस पामाल हो रहे हैं, अबडक्शन हो रही है, कहीं से भी उठा लिया जाता है, अली अमीन गंडापुर की जमानत होती है, उनको रिहा नहीं किया जाता, इस मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर पुरअमन लीडर के ऊपर जानलेवा हमला, सैकड़ों मुकदमात दहशतगर्दी की दफात औरतों के ऊपर भी लगाई जा रही है, तो इससे ज्यादा तो फिर इतनी घुटन है कि रहना मुश्किल है, जीना महाल है, उम्मीद क्या है, कुछ भी हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो तो हम देखते किधर, सुप्रीम कोर्ट जब वो भी डिसफंक्शनल ये लोग कर देंगे तो फिर तो निकलना नागुजीर है, जिसमें वुकला बरादरी सारी, आपका पढ़ा लिखा तबका, आपकी आर्टिस्ट बरादरी, आपका वर्किंग जर्नलिस्ट, एवरीबडी इज क्राइंग, कोई भी खुश्क नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं अभी जो मैंने फिगर्स बोले कि 2600 अरब रुपए खाली किसानों की आमदन बढ़ी थी, 60% इंक्रीज था मजदूर के वेजेस में, फिर 100,000 बिलियन जब कोई कॉरपोरेट कमाएगा तो मजदूर को भी उसका शेयर मिलेगा, और हाउसिंग इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री अपनी पीक पे थी, तब पाकिस्तान में हिस्टोरिकल ग्रोथ थी इसकी, तो ये सारी चीजें किसको जाके बेनिफिट करती थी, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता हर एक को। फिर उसके साथ ये था कि जो हमने मजदूरों के लिए, पिसे हुए तबके के लिए जो स्टेप्स लिए थे वो बड़े खुशाइन थे और मेरिट के ऊपर लिए। इलेक्शन कमीशन ने भी आपको आज की रैली पे जो है नोटिस भेजा था, क्या मसला क्या है कि उस नोटिस में क्या था, और रैली निकालना तो सियासी पार्टी का हक आप समझती हैं, तो ये क्या वजह? बस अल्लाह का शुक्र है कि चले बाद में इधर की लोकल इंतजामिया ने हमें उसका NOC जारी कर दिया, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमल था, एज ऑलवेज इलेक्शन कमीशन ने मायूस नहीं किया, वो इलेक्शन के खिलाफ जो जितने भी इकदाम उठाए जा सकते हैं उनके ऊपर बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ अमल दरामद कर रहे हैं और कोई मौका नहीं जाने देते जिसमें ये इलेक्शन कैंपेन को वो रोक ना सके। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुसर्रत जमशेद चीमा साहब की, जिनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन इसका काम है इलेक्शन करवाना, वो हर बात में जो है इलेक्शन को रोकने के लिए डिटर्मिन रहती है। जी।